Hello students, dear parents, good evening. My name is Avnish Kumar. Welcome to all to Gyanpeeth Learning Center. मैं अवनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञानपीठ लर्निंग सेंटर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी RIMC के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है फॉर अपकमिंग RIC एग्जामिनेशन 2024 के लिए। इससे बहुत ही गहराई के साथ में हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं, देखेंगे आप लोगों को वो कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसका पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप लोग अपने फॉर्म को सही से फिलअप कर पाए, एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको फिलअप कर पाए, सही से आवेदन कर पाए। इसके अलावा और जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में देंगे। लाइट बंद कर देते हैं, काफी ज्यादा लाइट हो गई आई थी, इसको यहाँ पे कर देते हैं बंद और आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हम लोग वो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभिभावक को बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि वो जो है अपने फॉर्म फिलअप करते समय किसी भी तरीके की मिस्टेक ना करें, कोई गलती ना करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या वॉइस क्वालिटी आपको सही मिल रही है, ठीक मिल रही है? यू आर मोस्ट वेलकम ओवर हियर। जितने भी स्टूडेंट हमारे अभिभावक पेरेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए ऐसा है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बारे में हम लोग गहराई से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे एक्चुअली आपको कैसे ये फॉर्म फिलअप करना है। कुछ बेसिक बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे काफी गहराई के साथ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बारे में। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें कि ये अपने तरीके का यूनिक और एकमात्र हमारे देश में मिलिट्री कॉलेज है जो कि देहरादून में है, और इसकी जो स्थापना है, इसका जो गठन है वो 1922 में किया गया था प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा। उस पर भी स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, उस पर भी हम लोग जो इतिहास है उसके भी उस पर भी चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह अपने तरीके का यूनिक इंस्टीट्यूशन है और इनका जो सिलेक्शन रेशियो है एनडीए में, हमारे आर फोर्सेस में, वो बहुत ही अच्छा है। 80% जो यहाँ पे कैडेट्स है वो रिकमेंड होते हैं, और यहाँ पे जो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो है वो बहुत ही अच्छा है। ऐसा जनरली नहीं देखा जाता, अमूमन नहीं देखा जाता किसी दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। चर्चा करेंगे हम लोग गहराई के साथ में जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हम आपको देना चाहेंगे। देखिए ऐसा है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी RIMC का जो नोटिफिकेशन 2024 है ये रिलीज हो गया है। RIMC नोटिफिकेशन की अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, नोटिफिकेशन की स्पेसिफिकली स्टूडेंट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। पहले तो ये बात याद रखिए आप लोग, जो एग्जामिनेशन है RIMC का 2024 का, ये होगा आपका 1 जून 2024 को। मतलब ये डेट इन्होंने यहां पे एकदम क्लियर कर दी है कि एग्जामिनेशन जो है ये आपका 1 जून 2024 को कंडक्ट होगा अपने डेजिग्नेटेड सेंटर्स पे, जो RIMC के द्वारा सेंटर्स को डेजिग्नेट किया जाएगा, तो वहां पे ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो ये बात यहाँ पे समझिए। दूसरी जो बात हमको लग रही है काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि वॉइस क्वालिटी आप लोगों को अच्छी मिल रही है, परफेक्ट मिल रही है। देखिए तो वॉइस क्वालिटी आपकी सही आ रही, तो ये एग्जामिनेशन होगा 1 जून 2024 को, और जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन यानी आवेदन आप लोग कर सकते हैं, फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म को मंगा सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए ऐसा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन RIMC एक्सेप्ट नहीं करता है, आपको फॉर्म खरीदना पड़ेगा और उस फॉर्म को मैनुअली फिलअप करना पड़ेगा। फिल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो उसी फॉर्म में दिए हुए हैं, उस फॉर्म के साथ में आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा, इंस्ट्रक्शन मिलेगा, समझिए। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट ये नहीं होता है, यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन करना है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप ऑनलाइन करेंगे, इससे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा बाई पोस्ट।
लेकिन ये आपको जो है वो आरआईएमसी को फिलअप करके नहीं भेजना है, ये रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को आप फिलअप करके देंगे और वो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जो है फिर वो आरआईएमसी को भेजेंगे। ये यहाँ पे तरीका है। तो अभी आपको बताना चाहेंगे एप्लीकेशन जो है वो आप आरआईएमसी से मंगवा सकते हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन खरीदने के बाद में, डियर पेरेंट्स आपको बताना चाहेंगे, ये एप्लीकेशन खरीदने के बाद में आप इमीडिएटली आरआईएमसी को नहीं भेज सकते। अभी क्या है कि रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन जाएगा, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने यहाँ मैकेनिज्म प्रोसेस तैयार करेंगी, उसके बाद में वो फॉर्म आपसे लेना स्टार्ट करेंगी, फिर वो है 28 फरवरी ऑनवर्ड आपसे फॉर्म वो एक्सेप्ट करेंगी, फिर वो फॉर्म जाएगा आपको, फिर वो फॉर्म जो है आपका चला जाएगा आरआईएमसी को। तो ये प्रोसेस है, इसको समझिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अभी अगर आप लोग फॉर्म मंगवाते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाते हैं, इसके लिए आवेदन करते हैं, कैसे आवेदन करना है, कैसे इस फॉर्म को मंगवाना है, ये सभी बातें हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको बताने वाले हैं। देखिए ऐसा है, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप मंगा सकते हैं आरआईएमसी की, आपको वेबसाइट पे जाना होगा, इसके लिए ऑनलाइन आपको जो है यहाँ पे आवेदन करना होगा। और इसके लिए क्या है कि आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं मिनिमाइज, हाँ, और यहाँ पे देखिए गूगल क्रोम में आपको जाना होगा और इधर आपको लिखना होगा आरआईएमसी और ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। देखो ऐसे अगर पीछे आप जाएंगे तो आरआईएमसी लिख दीजिए गूगल क्रोम में, और जैसे आप यहाँ पे वेबसाइट में क्लिक करेंगे, देखिए इस वेबसाइट पे आपको जाना है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, यहाँ देखिए rimc.gov.in, इस पे आपको जाना है और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी और इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये आ रहा है ऑनलाइन पेमेंट फॉर आरआईएमसी प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आरआईएमसी एंट्रेंस एग्जाम। तो इस तरीके से जब इस वेबसाइट को आप खोलेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट ये नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिटेल फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, स्टूडेंट कॉन्टेक्ट नंबर, और यहीं पे देखिए डेट ऑफ बर्थ उसकी क्या है, एज कितनी है, आधार नंबर उसका क्या है, कैटेगरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पीछे हमारा इमेज आपको ब्लैक दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये जानकारी आपको यहाँ पे ठीक दिख रही होगी, सही दिख रही होगी, आशा करते हैं ये जानकारी आपको यहाँ पे एकदम सही दिख रही होती दिख रही होगी। तो जितने भी अभिभावक यहाँ पे देख रहे हैं, पेरेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, कोई बात नहीं, अगर ज्यादा कलर यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है तो थोड़ा यहाँ समझिए, इस तरीके से यहाँ पे आधार नंबर है ना, ये अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, इस तरीके से आप इसे ओपन कर लीजिएगा, ये ओपन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे मदर का नेम क्या है, फादर का नेम क्या है, डोमिसाइल स्टेट कौन सा है, मतलब किस स्टेट का मूल रूप से वो निवासी बच्चा है जो कि फॉर्म मंगवा रहा है आरआईएमसी का, तो ये बात यहाँ पे समझिए। इसको फिलअप करने के बाद में फिर ये आपको डायरेक्ट कर देंगे पेमेंट के लिए। जब आप पेमेंट कर लेंगे उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या है, अब चलते हैं हम लोग अपने बोर्ड पे, हाँ, जब आप पेमेंट यहाँ पे कर लेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, यहाँ समझिए, पेमेंट कर लेंगे तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बाई पोस्ट मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म ये जो है आपको बाई पोस्ट मिल जाएगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म बाय पोस्ट मिल जाएगा, फिर आप इसको फिलअप करके स्टेट गवर्नमेंट के पास में सबमिट करेंगे, फिर फाइनली वो आपका चला जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए, आपको यहां पे मिलेगा प्रोस्पेक्टस मिलेगा, और इसी के साथ में स्टूडेंट आपको जो है लास्ट सेवन ईयर्स के आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है पब्लिक में, तो ये क्वेश्चन पेपर आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, इससे आप इवेलुएट कर पाएंगे कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आरआईएमसी एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इससे बेनिफिट क्या होगा। दूसरी चीज स्टूडेंट यहाँ पे मिलेगी, ये तीन चीज आपको यहाँ पे मिलती है, जो थर्ड चीज यहाँ पे होगी, तो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग होगी, दैट इज इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होंगे आपके पास, ये आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे हाउ टू फिल अप फॉर्म, कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, कैसे आपको आवेदन करना है, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, ये चीज आपको यहाँ से मालूम होगी।
तो ये पॉइंट आप लोग समझिए, ये पॉइंट आप लोग यहां पे समझिए, ठीक है ना। तो इंस्ट्रक्शंस आपको बताया जाएगा कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, किस प्रकार से आपको फोटो को जो है यहाँ पे लगाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सभी इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने की वो 15 अप्रैल है, ये बात हमने एक शॉर्ट के माध्यम से आप लोगों को बता दी थी। आई होप ये पॉइंट आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो 1 जून को आपके ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा और जो लास्ट डेट है आवेदन करने की वो 15 अप्रैल है। और जो एग्जामिनेशन है उसमें जो है वो मेनली 3 सब्जेक्ट प्रमुख हैं, ये 3 ही सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, एक तो मैथमेटिक्स है। अब हम लोग थोड़ी एग्जामिनेशन की यहां पर बात कर लेते हैं, देखिए एग्जामिनेशन की हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न की यहां पे बात कर लेते हैं। देखिए ऐसा है, आरआईएमसी एग्जामिनेशन जो है, आरआईएमसी जो एग्जामिनेशन है दैट इज बीइंग कंडक्टेड बीइंग हेल्ड ट्वाइस इन अ ईयर, एक साल में ये 2 बार होता है। एक को तो आप लोग कहते हो आरआईएमसी, आरआईएमसी 1, और दूसरे को आप लोग कहते हो आरआईएमसी, आरआईएमसी 2। जो आरआईएमसी फर्स्ट है ये होता है आपका जून मंथ में, जो कि इस बार हो जाएगा जून में 1 जून को, अब तो डेट भी क्लियर हो गई है। और जो आरआईएमसी सेकेंड है ये स्टूडेंट आपका होता है यू नो, हाँ तो इस तरीके से आप लोग समझिए, एक तो हमारा जून में हो गया आरआईएमसी फर्स्ट, और जो आरआईएमसी 2 है ये दिसंबर मंथ में होता है ना, ये दिसंबर मंथ में होता है। तो यहां पर लिख लीजिए, यहां पर लिख देते हैं जून, तो जून में टेंटेटिव इसकी डेट होती है और ये होता है दिसंबर मंथ में, दिसंबर मंथ जो जून में जो एग्जामिनेशन होता है, जैसे इस बार जो बच्चे सेलेक्ट होंगे जून में, तो फाइनली वो जो आरआईएमसी को ज्वाइन करेंगे वो दैट इज 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर। यहां पे समझिए, ये जून में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, यहाँ पे जो जून मंथ में जो एग्जामिनेशन होगा, यहाँ जो बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने के बाद में इनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद में इनका जो है वो मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होने के बाद में लिस्ट जारी होगी, फाइनल लिस्ट जारी होगी। एक लंबी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में समय लगता है और फाइनली यू नो 1 जनवरी 2025 इन द ईयर ऑफ एडमिशन, आपकी जो एज है वो 13 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 11.5 11.5 से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, 11.5 ईयर से ज्यादा कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए और ये जो है 13 ईयर से जो है आपकी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए इन द ईयर ऑफ एडमिशन, मतलब 1 जनवरी 2025 को। यहाँ पे देखिए ये जो आरआईएमसी सेकेंड है जो कि दिसंबर मंथ में होता है, तो ये सेशन हमारा स्टार्ट होता है जुलाई मंथ से, जुलाई मंथ से। तो 1 जुलाई, अब देखिए जिन बच्चों ने दिसंबर मंथ में एग्जामिनेशन दिया, फिर दिसंबर 2023, अब यहां पे इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में फिर इंटरव्यूज होंगे, फिर फाइनली मेडिकल होगा, फिर फाइनली जाके रिकमेंडेशन होगा, सिलेक्शन होगा। तो 1 जुलाई 2024 जिन्होंने दिसंबर में दिया, दिसंबर 2023 की बात कर रहे हैं, तो 1 जुलाई 2024 को इनकी जो एज है वो इस ब्रैकेट में होनी चाहिए, मतलब 11.5 साल से कम नहीं और 13 साल से ज्यादा नहीं। तो ये बात यहां पे समझिए, ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है। वो बच्चे जो इस समय क्लास 7 में है दे आर एलिजिबल, है ना, जो बच्चे अभी जो है क्लास 6-7 में गए हैं वो एलिजिबल है, जो क्लास 6 में समय पढ़ रहे हैं वो दिसंबर मंथ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब दिसंबर में जब एग्जामिनेशन होगा, अभी जून में नहीं, दिसंबर मंथ इसी ईयर 2024 में जो दिसंबर में एग्जाम होगा तो उसके लिए वो एलिजिबल होंगे। तो ये पॉइंट स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे समझिए। तो ये है एडमिशन प्रोसेस ऑफ आरआईएमसी और 50 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होता है, ये बात भी आप लोग यहाँ पे समझिए। अब सिलेबस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन प्रोसेस की अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए एग्जामिनेशन प्रोसेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है और इसका काफी ज्यादा वेटेज है। तो 200 मार्क्स की मैथमेटिक्स आपसे पूछी जानी है, 200 मार्क्स, 200 मार्क्स की मैथमेटिक्स आपसे पूछी जानी है। और यहां पे दूसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश जो है ये आपसे पूछी जानी है 125 मार्क्स की, 125 मार्क्स की, समझिए 125 मार्क्स। और यहां पे जो तीसरा सब्जेक्ट है वो आपका है जीएस इन करंट अफेयर, आप कह सकते हो जीएस ना कह के आप अगर इसको जीके कहें तब भी ठीक होगा, जीके ज्यादा सही, जीके इन करंट अफेयर सीए। ये दोनों मिला के जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये होंगे 75 मार्क्स के। अब यहां पे जो समझने वाली बात है स्टूडेंट के लिए वो ये है कि ये जो मैथमेटिक्स का हमारा पेपर है, मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का, ये दोनों पेपर हमारे सब्जेक्टिव है, ये दोनों पेपर हमारे सब्जेक्टिव है। तो यहां पे जो है एक डेप्थ नॉलेज चाहिए हमको मैथमेटिक्स की, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आपका नहीं है कि आप सिर्फ लगा दे, थोड़ा अजम्पशन बेस्ड, थोड़ा सा भी अगर आपको आता है आइडिया है, आपने फॉर्मूला सेट किया और आपको आइडिया लग गया हाँ इस तरीके से ये ऑप्शन होना चाहिए, या ऑप्शन की मदद से कभी कभी बच्चे जो है क्वेश्चन का जवाब निकाल लेते हैं, तो वो यहाँ पे आपको लिबर्टी नहीं है। मैथमेटिक्स प्रॉपर आपको सॉल्व करनी पड़ेगी और वो सॉल्यूशन जाएगा और एग्जामिनर उस सॉल्यूशन को देखेगा, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। इवन इफ आपको अगर आंसर सही आ गया है लेकिन वो तरीका सही फॉलो नहीं किया गया तो हो सकता है कि आपको मार्क्स कुछ कम मिले कंपैरिजन टू द स्टूडेंट हु फॉलोड द राइट पर्सपेक्टिव। तो ये बात भी यहाँ पे समझिए। तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों का काफी अच्छा वेटेज है, दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे जो इंग्लिश है, इंग्लिश की पर्टिकुलरली हम लोग बात करें तो इस इंग्लिश में वही आपका ग्रामर के क्वेश्चंस, वोकैब्स के क्वेश्चन और फिर जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, तो ये सभी चीजें आती है। ग्रामर की बात करो तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे हम लोग, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशंस है, तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और गहराई के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। आज 15 ईयर से एनडीए सीडीएस के लिए ही पढ़ा रहे हैं तो बी बेटर अवेयर कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी। अब यहाँ जो इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑलरेडी उनका वही स्टैंडर्ड है, उसी तरीके के क्वेश्चन है, अब सब्जेक्टिव तो है ही लेकिन क्वेश्चन उसी तरीके से पूछा जाता है जैसा कि हम कह सकते हैं असिस्टेंट कमांडेंट जो हमारे एग्जामिनेशन है वहां पे भी सब्जेक्टिव पेपर ही होता है, तो कुछ उस तरीके का पेपर है और जनरली हम बच्चे को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में सीडीएस और एनडीए जैसे एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर ले। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे समझिए। तो आई होप ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होगी और आपने इस चीज को समझा कि कैसे आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, कहाँ से जाके आपको फिलअप करना है, किस तरीके से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अब थोड़ा चलते हैं हम लोग यहाँ पीपीटी पे और थोड़ी चीजों को यहाँ पे समझ लेते हैं गहराई के साथ में। चलो यहाँ पे आरएमसी की अगर पर्टिकुलरली हम लोग बात करें, ये कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है ना, किस ईयर में इसको बनाया गया और जो है इसके क्या क्या फायदे हैं, अगर बच्चा यहाँ पे एनरोल होता है तो किस तरीके से बच्चों का एडवांटेज है, इन सभी बातों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए टाइप क्या है, मिलिट्री कॉलेज है और ये जो है दिस इज यूनिक मिलिट्री कॉलेज इन अ सेंस कि दिस इज ओनली वन इन अवर कंट्री, हमारे इतने बड़े देश में, इतने विशाल देश में, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश में एकमात्र आरआईएमसी है और वो देहरादून में है। उत्तराखंड की जो स्टेट है, स्टेट कैपिटल है देहरादून, तो वहां पे एग्जिस्ट करता है। 135 एकड़ में इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फैला हुआ है, काफी बड़ा इनके पास प्रीमाइस है। तो ये बातें आप लोग समझिए। तो मिलिट्री कॉलेज है, मोटो क्या है, तो मोटो देखिए स्टूडेंट आपके सामने दिया है बाल विवेक यानी स्ट्रेंथ एंड कॉन्शियंस, समझिए ये मोटो है, ये ध्येय वाक्य है इनका, क्या है स्ट्रेंथ एंड कॉन्शियंस। जैसे डीआरडीओ का नाम सुना है आप लोगों ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका मोटो क्या है बलस्य मूलम विज्ञानम स्ट्रेंथ लाइज इन साइंस। जैसे बीएसएफ का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बीएसएफ का भी अपना मोटो है, हमारी आर्मी है उसका भी अपना मोटो है, सेवा परमो धर्म सर्विस बिफोर सन, एयरफोर्स का अपना मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी नभा स्पर्शम दीप्तम, ऐसे ही हमारी जो नेवी है उसका भी अपना मोटो है, ठीक है ना, शामनो वरुणा।
let the God of water be auspicious unto us. समझ रहे ना, तो इस तरीके से इनका भी मोटो है जिसका नाम है वान विवेक। आगे देखिए स्टूडेंट आगे क्या है, established, कब हुआ establishment इनका, 13 मार्च 1922, क्या लिखा, founder कौन है, Prince of Wales, Edward। तो ये बात तो हमने आपको opening line में ही बता दी, तो ये बातें आप लोग समझिए। देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इस तरीके से आप लोग इनका प्रिमाइस यहां पे थोड़ा देख सकते हैं, ओवरव्यू यहां पे ले सकते हैं। यहां देखिए ग्रेड्स, तो क्लास 8 to 12, और जो एंट्री होती है, जो एडमिशन होता है, वो क्लास 8 ऑनवर्ड होता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन क्लास 6 में होता है, क्लास 9 में होता है, और कभी कभी जो है क्लास 12th में भी एडमिशन होता है, लेकिन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th मार्क्स। बात समझिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आगे क्या लिखा, जेंडर द बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर अलाउड। अब गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए यहाँ पे दरवाजे खुले हुए हैं। तो पहले तो गर्ल्स नहीं जाती थी, लेकिन अब गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए बराबर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। एज जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 11.5 साल से कम नहीं और 13 साल से ऊपर नहीं इन द ईयर ऑफ एडमिशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जून में जो एग्जामिनेशन है, फाइनली जो इसमें एडमिशन होगा, एडमिशन जब आ रहा IMC में आप लेंगे, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, जानने लायक है। अब वो नहीं कि जब उसने एग्जाम दिया, वो एज नहीं यहाँ पे कैलकुलेट होती, एज कैलकुलेट होती जब आप जाते हैं RIMC में एडमिशन लेने, यानी 1 जनवरी 2025, जो बच्चे जून में एग्जाम देंगे उनके लिए, तो आपकी जो एज है वो 11.5 साल से कम नहीं और 13.5 साल के ऊपर नहीं, 13 साल से कम ही होनी चाहिए। तो 13 ईयर से आपकी एज कम होनी चाहिए और 11.5 से जो है वो ज्यादा नहीं, 11.5 से कम नहीं और 13 ईयर से ज्यादा नहीं। तो ये बात यहाँ पे समझिए। और यहाँ दूसरी बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एनरोलमेंट। तो 250 कैडेट्स जो है इनका एनरोलमेंट होता है, और जो है एक बार में 50 बच्चों का सिलेक्शन होता है, और एक साल में ये 100 स्टूडेंट ही लेते हैं। कैंपस इनका साइज देख लीजिए, 138 एकड़ में इनका कैंपस फैला हुआ है। तो ये बात स्टूडेंट हमने यहाँ पे चर्चा करी। आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से RIMC के बारे में आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये कितना प्रेस्टीजियस कॉलेज है, किस तरीके से ये मिलिट्री एजुकेशन देते हैं, और सेनाओं में जो भावी अफसर्स हैं उनको तैयार करने में इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमुख भूमिका है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, एनरोलमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, कैंपस भी आपने देख लिया, और जो कलर्स है वो लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू। आगे क्या लिखा है, फीडर टू, मतलब जो बच्चे यहां से निकलते हैं शिक्षा प्राप्त करके पढ़ के, वो उनकी एलिजिबिलिटी कहाँ है, वो कहाँ के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं, तो नेशनल डिफेंस अकेडमी। NDA में जो एल्यूमिनी है, जो कैडेट्स है RIMC के, ये यू नो 80 to 85% इनका रिकमेंडेशन होता है, ये बच्चे रिकमेंड होते हैं NDA में। तो आप लोग देखिए, इतना कम नंबर होने के बाद भी इन्होंने जो है अपने सक्सेस रेशियो को मेंटेन करके रखा है। तो यहां पे देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड इंडियन नेवल एकेडमी। तो ये पॉइंट आपको यहां पे समझ में आया होगा। फार्मर पुपिल्स को हम लोग रेमकोलियंस के नाम से, तुम में से जो बच्चा NDA के थ्रू जाएगा ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि खड़कवासला पुणे में है, तो यहां जो बच्चा जाएगा फाइनली NDA एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेगा, फिर 5 डे SSB को देगा, SSB में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद में पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस देगा, इसके बाद में जो हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसमें भी 4 पार्ट है, थीमेटिकल परसेप्शन टेस्ट है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, और ऐसे जो है वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, फिर आपका GTU होता है। GTU में टोटल 9 टास्क है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, फिर जाके आपका इंटरव्यू होता है, दिन कॉन्फ्रेंस, ये सब करने के बाद में आप फाइनली सिलेक्ट होंगे, तब जाएंगे आप लोग यहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी। यहाँ पे जो RIMC के जो कैडेट्स होते हैं, यहाँ पे RIMC के जो कैडेट्स होते हैं इनको बुलाया जाता है रेमकोलियंस के नाम से, रिमकोलियंस के नाम से। क्यों है ना, क्यों RIMC को रिमकोलियंस के नाम से बुलाया जाता है, और ये अपने में अलग ही होते हैं, यूनिक होते हैं, क्योंकि आप खुद ही देखिए, यहाँ जो बच्चा जा रहा है वो महज 11 साल का है, 13 ईयर से कम उसकी एज है,
तो यहाँ पे काफी ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी होता है, नई नई चीजें आप सीख सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा मिलता है जो कि यू नो बाकी दूसरे इंस्टीट्यूशन में पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, सेक्शंस हैं, आरआईएमसी को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जैसे प्रताप सेक्शन है, महाराणा प्रताप के ऊपर नाम इसका पड़ा हुआ है, ऐसे रंजीत सेक्शन है, राजा रंजीत सिंह के नाम पे इसका रंजीत सेक्शन नाम पड़ा है, ऐसे शिवाजी सेक्शन है और यहाँ पे चंद्रगुप्त सेक्शन है। तो कितने सेक्शन हो गए, 1, 2, 3, 4। तो आरआईएमसी को जो है वो 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और इन सेक्शन के बीच में कॉम्पिटिशंस, पॉजिटिव कॉम्पिटिशंस होता रहता है, एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को बीट करने की कोशिश करता है और यहाँ पे जो है ये कॉम्पिटिशन थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ चलता है, ये बातें समझिए। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपको एकदम समझ में आया होगा। आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है जो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पे देखिए, तो आरएमसी हैज 1 to 14, देखिए 1 by 14 टीचर स्टूडेंट रेशियो, तो एक टीचर होता है 14 स्टूडेंट पे, ऐसा रेशियो, ये टीचर स्टूडेंट रेशियो आपको दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलेगा, जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे एक टीचर एक साथ में 500 बच्चों को बैठा के पढ़ाता है, लेकिन दिस इज नॉट केस इन आरआईएमसी। यहाँ पे एक टीचर जो है वो 14 बच्चों को बैठा पढ़ाता है और इस तरीके से टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है ये वो जो है एकदम ऑप्टिमल है, एकदम आइडियल है, ये बात समझिए। आगे देखिए, इसीलिए इन्होंने जो है क्वालिटी को मेंटेन करके रखा है, 80 to 85% जो कैडेट्स हैं, रिंकोरियंस हैं, ये सेलेक्ट होते हैं यू नो इन एनडीए। आगे क्या लिखा है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज इज एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आरआईएमसी आता है, थ्रू द आर्मी ट्रेनिंग कमांड, जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड है शिमला, तो उनके द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। आपको बताना चाहेंगे जो हमारी आर्मी है ये 7 कमांड में डिवाइडेड है, जैसे सेंट्रल कमांड है, सदर्न कमांड है, नॉर्दर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, साउथ वेस्टर्न कमांड है ना, इस तरीके से आपको बताना चाहेंगे 7 कमांड है, उसमें से एक ट्रेनिंग कमांड है, तो ट्रेनिंग कमांड के अंदर ही आता है आपका आरआईएमसी। क्यों, जो विजन था वो ये था कि भावी अफसरों को हम निर्चित कर पाए और आने वाले दिनों में ये अफसर जो है हमारे आर फोर्सेस में, सेनाओं में जाके हमारे देश के लिए है ना अच्छा काम करें और हमको जो है ए ग्रेड कमीशन अफसर, वो भी प्रोफेशनल अफसर मिले, तो ये विजन था। आगे देखिए क्या, परहैप्स द ओनली इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री वेयर द एग्जाम फॉर द क्लास यू नो 10th and 12th आर कंडक्टेड ट्वाइस इन ईयर, ये एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जहां पे क्लास 10th और 12th का जो एग्जाम है वो 2 बार होता है, यानी जो बोर्ड का एग्जाम है वो 2 बार होता है, ये बात भी स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे समझिए। इन मई एंड नवंबर दीज एग्जाम सर्टिफिकेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सीबीएसई और सीबीएसई जो है इन एग्जाम सर्टिफिकेशंस को रिकॉग्नाइज करता है। आगे एक स्टेप चलते हैं हम लोग, एक स्टेप आगे चलेंगे स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे। चलो अब यहां देख लीजिए क्या, कॉलेज ऑफर ओनली द साइंस स्ट्रीम एट द प्लस टू लेवल, मतलब यहाँ पे जब आप क्लास 12th में होते हैं, क्लास 12th लेवल में यहाँ पे जो है वो जो शिक्षा दी जाती है वो जो है ओनली द साइंस स्ट्रीम, लेकिन इसके साथ साथ में आपको जीएस भी पढ़ाया जाता है, जिससे कि आप एनडीए में जो हमारा सेकेंड पेपर होता है, जीएटी का जो पेपर होता है, जीएटी का जो पेपर होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो पेपर होता है, इसमें आप अच्छी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे पाए, तो ये यहाँ पे मोटिव होता है। Informatics practices, तो ये बात समझिए क्या लिखा, however the prepare the cadets for the UPSC examination for entry into the NDA social science are also taught, तो social science को भी पढ़ाया जाता है, तो history geography polity जो है जो कि designate करी गई है UPSC के द्वारा इन NDA, तो उतने ही syllabus यहाँ पे बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, इसीलिए ये बच्चे जो है you know 95% student qualify एनडीए एग्जामिनेशन, और जैसा कि मैंने आपको बताया एनडीए में जो इनका सिलेक्शन रेट है वो 80 to 85% है, बाद में कुछ बच्चे सीडीएस के थ्रू भी सेना को ज्वाइन करते हैं, ये भी समझिए, तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि 90% आरआईएमसी में पढ़ने वाला बच्चा यू नो आर फोर्सेस में अफसर बनता है। आगे चलेंगे हम लोग, तो इस तरीके से पॉइंट, तो ये पॉइंट आपको एकदम समझ में आए होंगे, लिखा है ऑन एवरेज आरआईएमसी हैज सेंट बिटवीन 70 to 80% कैडेट टू द एनडीए, देखो यहां पे इन्होंने भी लिखा है
उन्होंने भी लिखा है कि 70-80% जो कैडेट है वो एनडीए में यहाँ पे जो है वो जाते हैं फ्रॉम ईच कोर्स एज कंपेयर टू द नेशनल एवरेज एंड विच इज स्टैंड 0.6%। मतलब जितने भी एनडीए में बच्चे जाते हैं उनका अगर ओवरऑल देखा जाए तो 0.6% ये आरआईएमसी का होता है कंट्रीब्यूशन। तो एक सिंगल कॉलेज होने के बाद भी इन्होंने एक अच्छा रेशियो मेंटेन किया है। सॉरी फॉर दैट। कैंडिडेट्स आर स्टडिंग इन क्लास 7। देखो ये कंडीशन है, कैंडिडेट्स आर स्टडिंग इन क्लास 7 एंड एज ऑफ लिखा है एंड द एज ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 11.5 and 13 years। तो 11.5 से 13 साल के बीच में बच्चे की एज होनी चाहिए और जो बच्चा है हमारा ये क्लास 7 में पढ़ता होना चाहिए। तो यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे जैसे June 1, 2024 को एग्जामिनेशन हो रहा है, तो जब आपका एडमिशन होगा, जब आप आरआईएमसी में जाएंगे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद में आप इंटरव्यू को क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद में आप मेडिकल को क्वालिफाई करेंगे, फिर आप जब जाएंगे सभी डॉक्यूमेंट लेके यू नो 1 जनवरी 2025 को, तो जो आपकी एज है वो इस ब्रैकेट में होनी चाहिए 11.5 से 13 साल के बीच। ये कंडीशन है, ये पॉइंट आप लोग यहां पे समझिए। टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ टर्म, तो ये बातें समझिए। आगे देखिए क्या है, तो आरआईएमसी एडमिशन, एडमिशन कैसे होता है, तो हम लोग इस बात पे तो चर्चा कर ही रहे हैं कैसे एडमिशन होता है। देखिए यहां पर आगे देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या है, ये जो रिटन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ द टेस्ट पेपर कंसिस्टिंग ऑफ द 3 पार्ट्स। रिटन जो एग्जामिनेशन है इसमें 3 सब्जेक्ट को जरूरी हम लोग यहाँ पे नो गहराई के साथ प्रिपेयर करते हैं और इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को अच्छे से यहाँ पे पूछा जाता है। ये 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इंग्लिश जो कि 125 मार्क्स की, जैसा मैंने आपको बताया था, फिर यहाँ पे मैथमेटिक्स 200 मार्क्स की, और ये दोनों हमारे सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्टिव होते हैं। मतलब स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर नहीं होगा जहां पे आपको सर्कल फिलअप करना होगा, नहीं, यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉपर आंसर्स को लिखना है तो वो आंसर आपके इवेल्युएट किए जाएंगे। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे समझिए। एंड लिखा है जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज में आपका जीके आ गया और प्लस करंट अफेयर, तो करंट अफेयर का यहाँ पे देखें तो अच्छा वेटेज है 40-45% जो है ये वेटेज रखता है इस सेक्शन में। करंट अफेयर हमारे न्यू चैनल पे स्टूडेंट, करंट अफेयर हमारे इस पर्टिकुलर एजुकेशन चैनल पे कराया जा रहा है और हम ही उसको लेके आ रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से। और ये हमारी जो क्लास है वो अमूमन 1 आवर की होती है, 1 घंटे की होती है। कोशिश करते हैं कि आपका कोई भी करंट अफेयर ना छूटे और ये कोशिश लगातार हमारी जारी रहेगी। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस करंट अफेयर, और यहाँ पे कृष्णा सर के द्वारा मैथमेटिक्स की क्लास लाई जा रही है और नसीम सर पॉलिटी की क्लास लेके आते हैं। मतलब जीके और मैथमेटिक्स इंग्लिश ये सभी चीजें प्रॉपर तरीके से आपकी हो जाएंगी। और जो हमारा नया आरआईएमसी बैच है ये 1 मार्च 2024 से स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे अभी जून में अपियर होंगे क्रेश कोर्स की पूरी व्यवस्था है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे आरआईएमसी प्रिपरेशन 1 ईयर तो बहुत अच्छे से मांगता है। तो ये प्रिपरेशन अगर आपको करनी है और आप अभी क्लास 4 में है या 5 में है तो आपको बिल्कुल इसके लिए तैयार होना चाहिए और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी टफ, एग्जामिनेशन टफ है। यहाँ पे देखिएगा, कैंडिडेट्स हैव स्कोर एटलीस्ट 50% इन ईच सब्जेक्ट टू क्वालिफाई। ये लिखा है कैंडिडेट्स आर देन शॉर्ट लिस्टेड थ्रू द रिटन टेस्ट एंड कॉल्ड फॉर द बाइबा बॉस। मतलब इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जहां पे 50 मार्क्स यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं इंटरव्यू के लिए। एंड हैव टू पास द मेडिकल टेस्ट, फिर बाद में मेडिकल टेस्ट भी आपको पास करना है। तो ये बात पे स्टूडेंट यहां पे समझिए। तो इस तरीके से जो है हमारा सिलेक्शन होता है आरआईएमसी में। आरआईएमसी की प्रीमाइस पे हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इन्होंने भी कभी विजिट किया था और यहाँ पे कैडेट्स को संबोधित किया था, तो अपने में काफी प्रेस्टिजियस है, इंपॉर्टेंट है। तो ये बातें आप लोग यहाँ पे समझिए। आगे देखिए क्या, रिमकोलियंस हैव हेल्ड द एग्जाल्टेड पोजीशन इन द आर फोर्सेस। अच्छी अच्छी पोजीशंस में रिमकोलियंस गए हैं। आरआईएमसी के पढ़े हुए बच्चे कैडेट्स
इन्होंने जो है काफी बड़ी बड़ी पोस्टों को सुशोभित किया है। आपको बताना चाहेंगे इंडियन आर्मी में जैसे जनरल की रैंक है, तो बहुत से कैडेट्स जो आरआईएमसी के रहे हैं उन्होंने जनरल्स की पोजीशन तक पहुंचे, जनरल की रैंक तक पहुंचे। और केवल इंडियन आर्मी में नहीं, इसके पहले भाई इंडिया और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, तो पाकिस्तान आर्मी में बहुत से जनरल हुए जो कि आरआईएमसी से पढ़े हुए थे। तो ये बातें समझिए, तो क्या लिखा, मेनी बिकमिंग द चीफ ऑफ द स्टाफ इन द इंडियन एंड पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस। और आगे क्या लिखा है, एंड कैडेट्स एनरोल्ड इन आरआईएमसी आर द नोन एज रिमकोस, इनको रिमकोलियंस के नाम से जाना जाता है। आगे क्या लिखा, तो ये सारी बातें आप लोग देख रहे हैं। हीरा लाल अटल हु हैज आल्सो द फर्स्ट कैडेट एट आरआईएमसी वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट कॉलेज कैडेट कैप्टन विद अली असगर खान। तो ये सारी बातें हैं जो यहां पे देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के नाम दिए हैं जिससे कि आप मोटिवेट हो इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि अपने में बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है। द आरआईएमसी हैज प्रोड्यूस्ड द 5 आर्मी चीफ एंड 4 ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल। तो यहाँ पे देखिए 5 आर्मी चीफ आरआईएमसी के द्वारा प्रोड्यूस किए गए, जिनमें से 4 इंडियन आर्मी के जनरल रहे और एक जनरल रहा पाकिस्तान आर्मी का। तो यहाँ पे देखिए, तो जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन, यहाँ पे देखिए जनरल जी जी वेबोर, फिर जनरल लिखा है विश्वनाथ शर्मा, फिर जनरल यहाँ पे लिखा है गुल हसन खान, ये पाकिस्तान आर्मी के थे। तो 5 यहाँ पे जो है आर्मी जनरल प्रोड्यूस किए हैं नेपोलियन के द्वारा। तो अपने में भाई काफी ज्यादा काफी अच्छा बेंचमार्क है और एक अच्छा इतिहास रहा है आरआईएमसी का। क्या लिखा है, इट हैज आल्सो प्रोड्यूस्ड द 4 एयर चीफ्स, और 4 वायुसेना के चीफ अभी तक जो है वो प्रोड्यूस किया गया है आरआईएमसी के द्वारा। एयर चीफ मार्शल एनसी सूरी, और यहाँ पे एयर चीफ मार्शल बीएस धनोहा, और एयर मार्शल असगर खान जो की पाकिस्तानी एयरफोर्स में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और यहाँ पे क्या लिखा, एयर मार्शल नूर खान पाकिस्तान एयरफोर्स। तो ये बातें समझिए। आगे देखिए स्टूडेंट क्या है, गैलेंट्री अवार्ड जो है बैक्टीरिया क्रॉस, और यहीं पे डिस्टिंग्विश सर्विस ऑर्डर, अब तो इनको चेंज कर दिया गया है, लेकिन पुराने समय में इस तरीके से ये जो है हुआ करता था, परमवीर चक्र और ये सारी चीजें वीर चक्र। आगे देखो, तो ये जानकारी भी स्टूडेंट आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल यहाँ पे पढ़िएगा। और स्पोर्ट्स वगैरह में भी बच्चे काफी अच्छा करते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे अच्छे प्लेयर भी हैं आरआईएमसी में देश को, जिन्होंने ओलंपिक जैसे पोडियम में, एशियन गेम्स जैसे पोडियम में, राष्ट्रमंडल गेम जैसे खेल होते हैं, कॉमनवेल्थ जो गेम्स होते हैं, तो यहाँ पे देश के नाम रोशन किया है, देश के लिए मेडल जीता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे जानने लायक है, समझने लायक है। तो ये सारी बातें स्टूडेंट हैं जो कि एक बच्चे को ध्यान में रखनी चाहिए जब वो प्रिपेयर कर रहा हो आरआईएमसी के लिए, क्योंकि आरआईएमसी जो है अपने में प्रेस्टीजियस कॉलेज है, और ये जो है अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, जो कि बहुत ही लाभदायक होती है उन बच्चों के लिए जो कि सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आर्म फोर्सेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सेक्शन सिस्टम क्या है, कैसे उनके बीच में कंपटीशन चलता है, ये जानकारी यहाँ पे दे दी है, तो इसको चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो। ये पीटीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे, तो इसको आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा है, ईच हाउस इज लुक्ड आफ्टर वन बाय द हाउस मास्टर। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको पता होनी चाहिए, और पता होना बहुत जरूरी नहीं है। इस तरीके से हाउस है, प्रताप हाउस है, रंजीत हाउस है, शिवाजी हाउस है, और चंद्रगुप्त हाउस है, ठीक है ना। और ये फेमस एम्परर रहे हैं हमारे देश की हिस्ट्री में, ये तो आप लोग जानते ही हैं। आगे देखिए क्या है, हाँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने पूरा आरआईएमसी के बारे में समझा, आरआईएमसी के जो फॉर्म है उसको कैसे हमें अप्लाई करना है, हमने आपको बताया किस वेबसाइट पे आपको जाना है, कहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है, किस तरीके से आपको ऑप्शंस का चूज करना है, और फाइनली जो है एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे मंगा सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट हमने आपको बताया कि क्या सिलेबस है, क्या इसकी टफनेस है, किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये सभी बातें एक लेक्चर में हम गहराई के साथ में इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस कितना ब्रॉड है, इंग्लिश में हमको क्या क्या पढ़ना है, ऐसे जो हमारा जीके का पोर्शन है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में हमको क्या क्या पढ़ना है, इन सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। मैथमेटिक्स का सिलेबस है एक्चुअली, उसमें क्या क्या पूछा जाना है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे एक अपकमिंग लेक्चर में। आरआईएमसी का एक और लेक्चर आएगा आपका
यू नो सिलेबस ओवरव्यू का, तो उसमें गहराई से चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में। अच्छा आप लोग भी बताइएगा जो इस लेक्चर को इस समय देख रहे हैं या बाद में जब ये हमारा यूट्यूब पे जाएगा रिकॉर्डेड सेशन, जो लोग देखेंगे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या दूसरा आपको लेक्चर चाहिए। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे, फॉर मोर इंफॉर्मेशन ये जो नंबर है ये जो नंबर है 9473701303 इस पे डायल करके आप फर्दर जानकारी हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट बॉक्स है वहां भी नंबर आपको मिल जाएगा, वहां से जो है आप जा सकते हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी अपकमिंग बैच के बारे में, या किसी भी तरीके की दिक्कत या हिंड्रेंस आ रही है तो आप यहाँ पे जो है यू आर फील फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हैं। तो दैट इज फॉर टुडे इन दिस लेक्चर, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस।